मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिष्ठित शिखर खेल अलंकार समारोह में 28 खेल हस्तियों को खेलों में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि अब मध्य प्रदेश का नाम खेलों में अग्रणी प्रदेशों में शुमार है, जल्दी ही हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में पदक भी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने 2022 के राष्ट्रीय यूथ खेलो इंडिया की मेजबानी का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है, मंजूर होगा तो इसका भव्य आयोजन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने मिंटो हॉल में शिखर खेल अलंकार समारोह 2019 में खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि पिछले ओलंपिक में महिला हॉकी की टीम में मध्य प्रदेश की 6 खिलाड़ी शामिल हुई थी। उन्होंने कहा कि कोरोना की घड़ी है, इसके बाद भी खिलाड़ियों को सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराने में हम पीछे नहीं रहेंगे। हमने केंद्र को यूथ खेलो इंडिया की मेजबानी का प्रस्ताव भेज दिया है, उम्मीद है यह मंजूर हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एशियन गेम्स 2018 में मध्य प्रदेश की मुस्कान किरार ने तीरंदाजी तथा हर्षिता तोमर ने सेलिंग में पदक प्राप्त किए थे। कोविड संकट के बावजूद प्रदेश में पूरी सुरक्षा व सावधानियों के साथ अगस्त से खेल प्रशिक्षण हो रहा है। खेल को आगे बढ़ाने में पहले भी कसर नहीं छोड़ी है, आगे भी कसर नहीं छोड़ी। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो गर्व के साथ खड़ा हूं, कोचेज को बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, मंत्री जी आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश पहले खेलों में कहीं नहीं था, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश खेलों के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित हो चुका है। हमें गर्व अपनी विरासत में, लेकिन हमें गर्व इस बात पर भी है कि हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम में 6 खिलाड़ी मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी। ये गर्व का विषय, आनंद का विषय है। और अभी अभी जो उपलब्धियां यशोधरा राजे जी गिना रही थी, हम सब प्रसन्न हो रहे थे। और मुझे ये कहने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, वैसे ऐश्वर्य प्रताप सिंह, चिंकी यादव ओलंपिक कोटे में हमें पहुंचा दिया, फराज खान घुड़सवारी में सिल्वर मेडल, और घुड़सवारी में भी क्या आर्मी बाबू जिन्हें एशियन जीता, उनके उनके सामने मुस्कान किरार तीरंदाजी में, हरिष्ठा तोमर एशियन गेम्स में जीत के आई, ब्रॉन्ज मेडल लिया, रीतिका दानी सेलर, अब बताइए तो हमने 4-5 साल पहले शुरू किया था, मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने प्रारंभ किया था बड़े तालाब पे, हमने कार्यक्रम शुरू किया था, प्रारंभ किया था, शुभारंभ किया था। सचमुच में ये असाधारण उपलब्धियां हैं, और अब मैं ये कह सकता हूं कि बहुत जल्दी ओलंपियंस तो बनने लगे, मैंने पहले उदाहरण गिनाए, वो दिन भी आएगा कि हमारे खिलाड़ी मध्य प्रदेश के अकादमी में जो प्रशिक्षण दे रहे हैं वो खिलाड़ी देश और दुनिया में मेडल जीत के नाम कमाएंगे, और बहुत जल्दी वो मौका भी आएगा जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत लेंगे। असंभव कुछ नहीं है। अच्छा बताओ, जब हम क्रिकेट में जीत सकते हैं तो बाकी में क्यों नहीं जीत सकते? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।